बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खानादारी। आज हम बनाएंगे वाइट खोया। खोया बहुत सी स्वीट डिशेस में इस्तेमाल होता है, तो घर पे आप कैसे एकदम परफेक्ट खोया रेडी कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखना होगी। तो हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, आप कोई भी बड़े साइज का बर्तन ले लें। इसमें हम शामिल करेंगे 2 लीटर मिल्क, ये मेरा 1 लीटर वाला मग है, इससे मैं माप के जो दूध है वो 2 लीटर कढ़ाई में शामिल करूंगी। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। खोए को हम जो है वो हाई फ्लेम पे पकाएंगे, बनाएंगे खोए को हाई फ्लेम पे। अगर आप लो फ्लेम पे पकाते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हम वाइट खोया बनाएंगे आज, जिसको हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे और जिसके लिए आपको दूध के पास ही खड़े रहना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। वक्फे वक्फे से हम आपको दिखाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आपने इसको करना है। देखें, हमारा जो दूध है वो रिड्यूस होना शुरू हो चुका है, फ्लेम हमारा हाई है। साइडों पे, किनारों पे जो भी साथ दूध लगेगा, जो भी इसकी बलाई लगेगी, वो हम उतार के दूध के अंदर ही शामिल करते जाएंगे और इसका चम्मच चलाते जाएंगे ताकि दूध जो है वो नीचे नहीं लगे। चम्मच हम बारीक ले लेते हैं ताकि आसानी से हम जो हमारे किनारों पे दूध लगे, कढ़ाई के किनारों पे जो दूध लगे वो आसानी से हम इसके साथ उतार के अंदर शामिल कर सकें। हाई फ्लेम पे हम अपना खोया रेडी करेंगे, इसके लिए आपको इसके पास ही खड़े रहना है। एक घंटे में हमारा खोया जो है वो रेडी हो जाएगा। घर पे आप आसानी से जो है वो साफ सुथरा खोया रेडी कर सकते हैं, इसमें कोई भी और चीज हम शामिल नहीं करेंगे। चम्मच चलाते रहें और किनारों पे जो भी हमारी भलाई लगे उसको खुरच कर हम इसके अंदर जो है वो शामिल करते जाएंगे। नीचे से भी ध्यान रहे कि दूध हमारा नीचे ना लगे। खोया जो है वो 2 तरह से तैयार होता है। एक जो है अगर आप लो फ्लेम करके रख देते हैं तो तब भी खोया जो है वो रेडी हो जाता है और उसमें जो है कलर उसका चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे आज वाइट खोया रेडी करेंगे। वक्फे वक्फे से हम दिखा रहे हैं, देखिए हमारा जो दूध है वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। अब 10 से तकरीबन 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो आप जो हैं वो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बिल्कुल हमारा खोया रेडी है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हम इतनी सी रखेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको हार्ड नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये बहुत थिक हो जाएगा। तो इतना सा हम इसको रखेंगे और अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको एक बर्तन में डालते हैं। देखिए किस तरह से हमारा खोया जो है वो थिक हो चुका है, एकदम परफेक्ट वाइट खोया हमारा रेडी है। अगले वीडियो तक फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।